हमारे सेंट्रल जनरल नमो के प्रेसिडेंट श्रीमान नागो मतुंग जी, इफ्सा के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान भाई तवा जी, यहाँ उपस्थित हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स फॉर्मर एमएलएस और हमारे बीच उपस्थित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर जरव बेदी जी, यहाँ उपस्थित फॉर्मर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर लीगू दत्तू जी, यहाँ उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स और हमारे साथ यहाँ आए हुए जितने भी हमारे इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, और साथ ही साथ मैं स्वागत भी करना चाहूँगा हमारे पड़ोसी राज्य आसाम से जो कंट्रोल ट्रूप यहाँ पे आए हुए हैं, और खास करके आज के इस इंडिजिनियस फेथ डे में यहाँ उपस्थित आप सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो हमारे प्रिंस हैं और भाई और बहनों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अरुणाचल सरकार की ओर से आज इस इंडिजिनियस फेथ डे के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश जैसे आप सबको पता है हमारा जो पहचान है इस देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई लोग कहते हैं लैंड ऑफ ब्राउनिंग माउंटेन्स, तो कोई कहता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन अधिकतर अरुणाचल प्रदेश का जो पहचान है वो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को जानते हैं। इस देश में सभी लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश का यहाँ के जो कल्चरल कंपोजिशन है तवांग से लेकर लोंगडिंग का, हमारे कुंभ मेला के छोटी जनजाति और सौ से भी अधिक उप जनजाति यहाँ बसे हुए। अभी थोड़ा देर पहले हमारे फॉर्मर स्पीकर हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने भी बहुत अच्छा कहा कि हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो विरासत में इतने हमारे रिच कल्चरल ट्रेडिशन सांस्कृतिक परंपरा देके गया है, तो उसको प्रिजर्व करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी आज के युग में इंडिजिनियस फेथ डे का इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी तमाम लीडर्स लोगों का, सीनियर लीडर्स लोगों का, सीनियर सिटीजन्स लोगों का और हमारे जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने ट्राइब्स में हमारे इंडिजिनियस चाहे कल्चर बोलिए चाहे इंडिजिनियस फेथ बोलिए उस चीज को आप लोग ने प्रिजर्व करके रखा है। तो इसी चीज को चाहे वो इंडिजिनियस फेथ हो चाहे वो अपना कल्चर हो, इसी चीज को अभी आगे लेके जाने के लिए हमारे अरुणाचल का युवा जो यूथ हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दिन में हमारे जैसे इफ्सा के प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा कि ये दिन जो है हमारे स्वर्गीय दोगी होते तरुण मुकुल जी का भी आज का 39th बर्थ एनिवर्सरी है, तो तरुण मुकुल जी ने जो कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिजिनियस फेथ को दिया है उसको हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। 1986 में जी उन्होंने हर एक ट्राइब का जो अपना इंडिजिनियस फेथ को प्रिजर्व करने का जो उन्होंने मुहिम एक रचा हुआ है उसी का ही आज का जो हमारी इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी उसी का ही ड्रेसिंग से निकाला हुआ एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी है। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो पहचान है वो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, तो खास करके हमारे जो यूथ है जो जवान लग रहा है हम लोग अभी पढ़ने के लिए जाते हैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता या कहीं अपना स्टेट छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपके जो डेवलपिंग जो वर्ल्ड है उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छा होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों का अपना कल्चरल परंपरा को भी हम लोग नहीं भूलना चाहिए। और आज के इस ऑकेजन में काफी हजारों के तैदान में आज हम लोग हमें जमा हुआ है, आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी रखना चाहूँगा, खास करके देखिए अपना ये फेथ को प्रिजर्व करना है या अपना रिच कल्चर को प्रिजर्व करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि अपना लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। इस पूरे देश भर में हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में वर्ल्ड में सेकेंड हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस में होता है,
लैंग्वेजेस वैरायटी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, करीबन 780 लैंग्वेजेस है। लेकिन पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान ने करीबन 200 से भी अधिक लैंग्वेज खो दिया है। और अरुणाचल प्रदेश में जितनी ज्यादा ट्राइब है उतनी ज्यादा हमारे यहाँ लैंग्वेज भी बसे हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो लगता है कि अगर आपको फेस डेवलप करना है, अपना कल्चर डेवलप करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना लैंग्वेज डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों का इस आज के ओकेजन में मैं बताना चाहूंगा कि हमारा अपना परिवार में मेरा अपना 4 बच्चा है, 2 लड़का और 2 बेटी। अगर मैं चाहूंगा तो उन लोगों को मैं कहीं भी स्कूल में ला सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको तवांग में ही रखा क्योंकि अभी वो लोग छोटे हैं और छोटे से स्कूल अपना तवांग में ही जाते हैं। तो मैंने क्यों तवांग में रखा, हमको पता है कि तवांग में उस प्रकार का एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन उतना नहीं है। लेकिन सबसे प्रथम मैं सोचता हूँ कि अपना जो जड़ है, अपना जो रूट है, उसको पहचानने के लिए, ताकि आप बचपन में वो कहीं बाहर चले जाए, कहीं अपना भाषा ना खो रहे, कहीं अपना कल्चर के बारे में बाद में वो लोग खो ना दे। उसी चिंता से मैंने उन लोगों को भी दवा में ही रखे पढ़ाई वही में कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी होता है जब मैं उनसे मिलता हूँ या अपना जो मौका भाषा में जब उनको बात करता हूँ तो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। तो कल्चर और आइडेंटिटी और अपना फेथ ऐसा एक चीज है कि हम लोग पूरा परिवार में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। केवल सिर्फ यूथों को भले छोड़ने से भी नहीं होगा, उन लोगों को सही दिशा दिखाने का सोसाइटी का जो लीडर्स है, जो एल्डर्स है, जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग हमारे यूथ को इसको सही दिशा में लेके जाना बहुत जरूरी है।